हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी रिव्यूज। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तभी आपने ये वीडियो पे क्लिक किया होगा कि जो है बिग बिलियन सेल जो कि फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे भी द ग्रेट इंडियन सेल जो है वो आने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको बताइए कि सब जो है आजकल न्यू फोन्स के पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा यू नो अपग्रेडेशन पे लगे हुए हैं। तो उसी के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि कौन से जो फ़ोन हैं वो आपको बेस्ट प्राइस पे जो है इस सेल में मिलेंगे। तो उसके लिए हमने जो है वीडियो को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थ्री पार्ट्स मीन्स कि हम पहले जो है पार्ट में हम बात करेंगे जो भी यू नो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। सेकेंड जो है हम मिड रेंज फ़ोन जो है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर थर्ड में हम जो है सीधा हाई एंड फोन्स जो है स्मार्टफोन उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम एंट्री लेवल फोन की बात करें तो एंट्री लेवल फोन में हमारे पास यहाँ पे तीन से चार फोन हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला फोन है वो है नार्जो 20A जो है वो लगभग जो है 8,500 का जो है वो फ़ोन है। तो आप काफ़ी जो है एंट्री लेवल फ़ोन हमें मिल जाता है। तो नार्जो 20A में जो आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक 3GB मिलता है, 32GB और एक मिलता है आपको 4GB रैम वाला 64GB। तो जो 4GB 64GB वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 9,500 का। और जो दूसरा वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है 3GB 32GB, जो आप मत कंसिडर करना क्योंकि काफ़ी कम रैम है और जो रोम है वो भी काफ़ी कम है। तो आप जो है कंसीडर ज़रूर कीजिए जो इसका नेक्स्ट जो है 4GB 64GB वेरिएंट, वो आपको लगभग 9,500 का पड़ेगा। और फीचर्स के मामले में भी ठीक ठाक फ़ोन है। आपको जो है इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की जो है बैटरी मिल जाती है। फ्रंट में आपको एक 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। और इसके अलावा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलता है। तो क्वालकॉम जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक, तो अच्छा फ़ोन है। सो नेक्स्ट फ़ोन हम देखते हैं सेम कैटेगरी जो हमारे एंट्री लेवल फ़ोन है उसके अंदर कौन सी है। और उसमें है आपका एक और फ़ोन है जो है रियलमी C15। और जो C15 है वो भी आपको 8,500 रुपये में जो है इसका जो सबसे लोअर वेरिएंट है वो मिल जाएगा इन सेल। तो उसके अंदर भी आपका 3GB 32GB वाला वेरिएंट है, वो आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ वो भी 8,500 के आसपास ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है उसमें। लेकिन वही है, रोम जो रैम कम है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का प्रोसेसर रहता है, वो चीज़ का ध्यान रखना आप खास। मीडियाटेक जो है थोड़ा सा परफॉर्म जो है सही नहीं करता। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जो स्नैपड्रैगन है वो बेटर परफॉर्मर है एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक। और जो ये फ़ोन है C15, इसके अंदर जो आपको बैटरी मिलती है वो 6000 mAh की बैटरी मिलती है। तो उस केस में ये फ़ोन अच्छा है। कैमरा इसका क्वाड सेटअप मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के आपको जो है डेप्थ और मे बी शायद मोनोक्रोमेटिक जो है सेंसर मिल जाता है। और फ्रंट में इसके भी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। सो नेक्स्ट जो फ़ोन है वो है Poco M2। ये जो फ़ोन है काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, इसके हर एक वेरिएंट पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इस फ़ोन को ज़रूर कंसीडर करना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन को कंसीडर करें। सो अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ जो कि है Realme 6। तो Realme 6 का भी जो रेंज है वो अराउंड 13 के आसपास ही है, 13-14 के आसपास जो है वो फ़ोन है। डिफरेंस जो इसके अंदर हम अगर Poco से M2 से करें तो इसके अंदर जो है आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखेगा जो कि है कैमरा डिपार्टमेंट में। जो कैमरा है इसका वो है 64 मेगापिक्सल का, जब जो मेन सेंसर है, जबकि जो Poco M2 में उसमें 48 मेगापिक्सल का जो है सेंसर मिल जाता है। कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा अच्छा फ़ोन है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी है जो है इसके अंदर स्क्रीन जो है वो 90Hz की स्क्रीन मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, मिड रेंज में जो सबसे पहला फ़ोन है हमारे पास वो है Poco M2 Pro। Poco M2 Pro काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर हम कंसीडर करें। इसके अंदर जो है आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है जो कि बैटरी के केस में भी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बेटर परफॉर्मर है। और अगर आप इसको
खाली मेनली आप जो है कंटेंट व्यूइंग के लिए देखना कर यूज करना चाहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियोस हो गई, ये सब चीजों के लिए तो काफी अच्छा फोन है। इसके अंदर आपको जो है स्क्रीन जो है HDR10 मिलती है, तो HDR10 होने की वजह से जो है काफी अच्छा आपको जो है व्यूइंग जो विविड कलर्स हैं वो आपको दिखेंगे। तो इसलिए आप इस फोन को, अगर आप सिर्फ कंटेंट व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप इस फोन को कंसीडर करें। सो यहाँ पे आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है हर एक वेरिएंट पे, तो उस केस में आप इस फोन को जरूर कंसीडर करें। सो नेक्स्ट जो फोन है वो है Realme 7। Realme 7 जो है काफी अच्छा फोन है। इसकी अगर हम बात करें, इसके अंदर जो G90 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि बेटर परफॉर्मर है एज कम्पेयर टू G80, और बैटरी डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छा जो है वो परफॉर्म करता है, बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्क्रीन है वो आपको काफी अच्छी स्क्रीन मिलती है इसके अंदर। फास्ट चार्जिंग तो मिलती है दोनों फोन में, इसके अंदर जो है आपको 30W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। अब M2 Pro और इसमें क्या डिफरेंस है, M2 Pro में जो है आपको ओनली 13 MP का मेन सेंसर मिलता है, जबकि आपको Realme 7 में 64 MP का जो है रियर सेंसर मिलता है, और फ्रंट में आपको इसके जो है 16 MP का जो है कैमरा शूटर मिलता है। सो कैमरा डिपार्टमेंट में ये जो फोन है बेटर है, प्रोसेसिंग में जो है ये बेटर है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, लगभग 2000 रुपये महंगा है अगर हम बात करें डिफरेंस की जो M2 Pro से है। सो वो प्राइस पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं 2000 रुपये में। अगर आप चाहें तो M2 Pro भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा बजट सेट कर सकते हैं तो आप Realme 7 पे भी जा सकते हैं। तो बट थोड़ा सा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी प्लास्टिक ही है, तो आप देख लीजिए उसके अंदर थोड़ा सा जो है फ़ोन प्लास्टिक ही है, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता दिखने में। सो अब हम चलते हैं अपने जो और फ़ोन है नेक्स्ट, वो है Poco X2। Poco X2 जो है पुराना फोन हो चुका है, इसके बाद Poco X3 भी आ चुका है, तो आप अगर चाहें तो Poco X2 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से Poco X2 जो है वो बढ़िया डील नहीं रहेगी, क्योंकि 18000 में आपको ये फ़ोन मिल रहा है, जबकि Poco X3 भी लगभग जो है सेम ही रेंज में आपको मिल रहा है। सो आई विल से दैट यू शुड गो विद Poco X3 जो कि बेटर फ़ोन है एज़ कम्पेयर टू Poco X2, क्योंकि Poco X3 में आपको 720G प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का, और इवन की उसकी स्क्रीन जो है वो 120Hz की स्क्रीन है, तो हर एक मामले में जो है X2 से बेटर है, तो यू शुड गो विद X3 rather than X2। और अब हम जो है थोड़ा हाई एंड फोन्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर काफ़ी बेटर डील्स जो है हमें मिल रही हैं। जो हाई एंड फोन्स है वो कौन से फोन्स हैं, जो K20 Pro है वो हमारा जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप मॉडल था, वो आज की डेट में आपको लगभग जो है जो 25000 का फोन था वो आपको लगभग 23000 रुपये में मिल रहा है, तो 2000 रुपये सस्ता है। 855 प्रोसेसर मिलता है, और इसके अंदर जो है आपको पता ही है कैमरा जो है वो मोटराइज कैमरा है, तो वो पूरी स्क्रीन आपको जो है वो मिलती है, कोई भी आपके अंदर कोई वो कैमरा फ्रंट फेसिंग कैमरा बीच में नहीं आता, तो उसकी कंटेंट व्यूइंग के लिए अच्छा फ़ोन है। लेकिन उससे भी अच्छे फ़ोन जो है मैं कहूँगा आज की डेट में आपको उसी रेंज में जो है मिल जाएंगे, जो कि है Realme X3। और Realme X3 जो है लगभग आपको सेम ही रेट में मिल जाएगा, तो आप उसको कंसीडर करिए, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 865 है, तो बेटर फोन है एज कम्पेयर टू Realme K2 Pro, और कैमरा डिपार्टमेंट में अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो इसकी बॉडी है वो प्लास्टिक की है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, थोड़ी सी बस यही प्रॉब्लम इशू है उस फोन में, बाकी हर एक चीज में वो फोन अच्छा है। Realme X3 जो फोन है काफी अच्छा फोन है, प्रोसेसर भी अच्छा है, हर एक चीज में वो है K20 Pro से अच्छा है। सो आप वो ना लेके मेरे हिसाब से आपको जो है Realme X3 वो लेना चाहिए। हाई एंड स्मार्टफोन में आता है वो है G8X, और G8X जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिसका जो है डिस्काउंटेड रेट जो फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगा ड्यूरिंग बिग बिलियन सेल वो है 19,990, तो 55,000 का जो इस टाइम जो है आपको वो प्राइस शो कर रहा है, और वो आपको ओनली 19,000 में मिलेगा, जो कि एक फ्लैगशिप मॉडल है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 जो है प्रोसेसर आता है, और ये काइंड ऑफ ड्यूल स्क्रीन जो है फोन है,
यूजिंग, अगर आप एक कवर जो है एल जी इसके साथ प्रोवाइड करते हैं तो ये एक तरह से जो है ड्यूल स्क्रीन फोन बन जाता है। तो आप ये फोन कंसीडर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं एक फोन फ्लैगशिप मॉडल और एक डिफरेंट फोन खरीदना, तो कि ये आपको इतने बेस्ट प्राइस में जो है मिल रहा है। अनदर फोन जो कि है सैमसंग से, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जो है सैमसंग S20 Plus। ये भी जो है आपको लगभग जो है सेल पे 50,000 का फोन मिल जाएगा। सो अभी जो है लगभग 75,000 का ये फोन जो है अभी शो हो रहा है। तो S20 Pro जो है आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं 50,000 रुपए में, तो वो भी एक अच्छा फोन है। इसके अलावा एक और फोन है, अगर आप इतने ज्यादा हाई एंड में नहीं जाना चाहते तो Realme X50, जो कि बहुत ही अच्छा फोन है। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हाइप इसको नहीं मिला, लेकिन वो काफी अच्छा फोन है Realme X50 Pro। इसके अंदर जो है आपको 865 स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक हाई एंड टॉप परफॉर्मिंग जो है प्रोसेसर है अभी तक का। उसके बाद 865 प्लस आ चुका है, लेकिन अगर जो अपकमिंग फोन देखे हम OnePlus 8T, उसके अंदर भी वो 865 का ही यूज करने वाले हैं। सो जो वो फोन आएगा वो लगभग आपको मिलेगा मेरे हिसाब से 40 से अबव ही मिलेगा, 40-45 इसी रेंज में आने वाला है। और ये जो X50 Pro है, ये फोन आपको जो बेस मॉडल इसका मिल जाएगा वो लगभग मिल जाएगा 37,000 का। सो बेटर है आप अगर इसका डिजाइन देखें, वो भी काफी अच्छे यूनिबॉडी डिजाइन है इसका, एल्यूमिनियम पूरे जो है केसिंग है और मैट डिजाइन है। इसमें दो कलर आते हैं, ब्रिक रेड और एक ग्रीन है, तो दोनों ही जो है मैट में है, तो काफी अच्छा फोन लगता है। तो आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक हाई एंड फोन चाहते हैं, एक अच्छा फोन और एक अच्छी डील चाहते हैं, तो आप इस फोन को भी जरूर कंसिडर